दीवाने से दिलवाले, बादशाह से लेके पठान और अब मचा रहा है शोर जवान। एक ही बंदा सबसे ऊंचा सबसे प्यारा हमारा जान, वो है किंग खान। भारत के इतिहास में बहुत सारे हीरोज पैदा हुए जिन्होंने अपने बलबूते पे हासिल किए ऐसे ऐसे मुकाम जो कभी सोच भी नहीं सकते हम। लेकिन मन्नत के शाहरुख खान का जैसा कोई मुकाबला ही नहीं। देखने में हैंडसम, बातों में जान, नाम है उसका शाहरुख खान। जितना भी तारीफ करूं कम है, लेकिन कैसे बने अब्दुल रहमान एसआर के, कैसे 10,000 के भाड़े में रहने वाले 200 करोड़ की मन्नत के बादशाह बने। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसी अनकही बातों के बारे में जो शायद आपने सुनी ना होगी। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं सुजन और आज की कहानी सुनो के एपिसोड में मैं बात करने जा रहा हूं किंग खान के बारे में। दोस्तों शाहरुख खान का जन्म हुआ 2 दिसंबर सन 1965 में दिल्ली के राजेंद्र नगर में। जन्म होते ही पापा मीरताज मोहम्मद ने कहा मेरा बेटा क्रिकेटर बनेगा, माँ ने कहा नहीं मेरा बेटा हॉकी खेलेगा। लेकिन किस्मत ने अब्दुल रहमान के लिए कुछ और ही सोचा था। शाहरुख ने अपनी बचपन गरीबी में बिताई ये तो नहीं कहूंगा, लेकिन ज्यादा अमीर भी नहीं थे उनके वालिद। शाहरुख खान के अब्बा मीरताज मोहम्मद एक होटल चलाते थे और अम्मी लतीफ फतिमा एक मैजिस्ट्रेट थे। हालांकि कहा जाता है मीरताज मोहम्मद पेशे से एक लॉयर और फ्रीडम फाइटर रह चुके थे। आप सभी जानते हो कि शाहरुख खान एक पढ़ा लिखा एक्टर है और उनकी ये पढ़ाई का सिलसिला चालू हुआ सेंट कोलंबस स्कूल से। स्कूल में रहते शाहरुख खान की पढ़ाई के साथ साथ खेलकूद में भी बहुत ही अच्छे थे और इसके लिए उनके स्कूल का सबसे बड़ा ऑनर भी मिला। उनको सोर्ड ऑफ ऑनर से नवाजा गया था। पढ़ाई के चलते चलते खेलकूद में अच्छे होने के कारण शाहरुख खान ने डिसाइड किया था मैं तो क्रिकेटर ही बनूंगा और अपने क्रिकेट करियर बनाने के लिए वो क्रिकेट खेलने लगे। दोस्तों मैं आपको बता दूं, क्रिकेट खेलते समय शाहरुख खान को एक चोट लगा और इसकी वजह से उनका क्रिकेटर बनने का सपना अधूरा रह गया। लेकिन बाद में सन 2008 में शाहरुख खान ने 2.98 बिलियन से कोलकाता नाइट राइडर्स के क्रिकेट टीम खरीद दिया था। क्रिकेट करियर में कुछ बन नहीं पाए तो क्या हुआ, शाहरुख खान ने दुनिया के सबसे बड़ा सबसे अमीर एक्टर बनने का मुकाम जो हासिल कर लिया था और इसी की शुरुआत हुई थी शाहरुख खान के कॉलेज के दिनों से। स्कूली पढ़ाई खत्म करते करते शाहरुख खान ने दाखिला लिया था हंसराज कॉलेज से, जहां वो इकोनॉमिक्स की डिग्री हासिल की थी। लेकिन सिर्फ डिग्री ही नहीं बल्कि शाहरुख खान ने साथ ही साथ थिएटर करना चालू कर दिया था। उस समय के सबसे जाने माने दिल्ली के एक्शन थिएटर ग्रुप में शाहरुख एक्टिंग सीखने लगे। यहाँ पे बैरी जॉन के अंडर शाहरुख ने एक्टिंग सीखी। दोस्तों आपको बता दूं, बैरी जॉन एक ब्रिटिश बॉर्न इंडियन थिएटर आर्टिस्ट है जो कि मुंबई में आज भी थिएटर ग्रुप चलाते हैं। शाहरुख खान ने इसके बाद अपने बुनियादी एक्टिंग की पढ़ाव कंप्लीट की नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा। यहाँ पे एक किस्सा बताया जाता है कि कॉलेज के बाद शाहरुख खान ने जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में मास्टर्स कंप्लीट करने वाले थे, यानी कि कोशिश करने वाले थे। हाँ हाँ भाई, उन्होंने कोशिश ही किया, कोई डिग्री नहीं हासिल की मास्टर्स। बीच में ही उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी और एक्टिंग करना चालू कर दिया। अब दोस्तों अगर आपसे कोई कहे कि बेटा पढ़ाई कर लो, अच्छे से नौकरी करना है, तो उनको कहना नौकरी के लिए पढ़ाई तुम करो, हम तो किंग खान की तरह बनेंगे। है दोस्तों पढ़ाई करना भी जरूरी है, लेकिन करियर में क्या बनना चाहते हो वो इम्पोर्टेंट है, उस पे फोकस करो। ज्यादा ज्ञान ना देते हुए आगे बढ़ते हैं, चलिए आप लोगों को ले चलते हैं शाहरुख खान के करियर के पहले के दिनों में। सन 1988 शाहरुख खान थिएटर से अपनी कला को मजबूत बना लिया था और उसके बदौलत लेक टेंडन की टेलीविजन सीरीज दिल दरिया में एक्टिंग का मौका मिला शाहरुख खान को। लेकिन प्रोडक्शन डिले होने की वजह से शाहरुख खान की पहली टेलीविजन डेब्यू बना कर्नल राज कपूर का फौजी सीरीज। इसमें शाहरुख खान ने ऐसी कमाल का फौजी का भूमिका निभाया कि एक के बाद एक्टिंग का रोल भाई साहब को मिलने लगे। सर्कस, इडियट, वागले की दुनिया, इन विच एनी गिव्स, इन दोस्त वॉन्स जैसे हिंदी और अंग्रेजी सीरियल्स में शाहरुख खान काम करने लगे। ये सारे सीरियल बहुत ही हिट हुए और शाहरुख खान के एक्टिंग स्टाइल को दिलीप कुमार साहब के एक्टिंग से कंपेयर किया जाने लगा। कहते हैं लाइफ में उतार चढ़ाव रहते हैं और इसी का नाम जिंदगी है। सन 1991 में शाहरुख खान की मां की देहांत हो जाती है। इसकी वजह से शाहरुख के घर में कमाने वाला कोई नहीं रहा, इसीलिए शाहरुख खान ने अपनी किस्मत आजमाने के लिए चले आए सपनों की नगरी मुंबई में। मुंबई पे आते ही शाहरुख खान को पहले फिल्म का मौका दिया बॉलीवुड की ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी ने। उनका फिल्म दिल आसमां में शाहरुख खान का डेब्यू होने वाला था। इस फिल्म में शाहरुख खान दिव्या भारती के साथ शूट किए थे, लेकिन इस फिल्म के रिलीज होने से पहले ही शाहरुख खान ने दूसरी बड़ी सिनेमा कर ली बड़े पर्दे और वो धूम मचा दिया। फिल्म का नाम था दीवाना। फिल्म दीवाना में शाहरुख ने फिर से दिव्या भारती के साथ काम किया, साथ ही साथ उस फिल्म में ऋषि कपूर भी थे। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस में इतना सफल हुआ कि शाहरुख खान ने बेस्ट फिल्म अवार्ड एज ए डेब्यूटेंट का खिताब अपने नाम लिखवा लिया। सन 1992 में शाहरुख
शाहरुख ने फिर से चमत्कार कर दिया, मतलब चमत्कार फिल्म किया, दिल आशना किया और राजू बन गया जेंटलमैन जैसे फिल्म में काम किए। शाहरुख खान जैसे हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में एक जाने माने हस्ती बन गए। दोस्तों एज अ हीरो सभी चाहते हैं कि शुरुआती दिनों में हर कोई बंदा हीरो का रोल निभाए, लेकिन भाई साहब का नाम शाहरुख खान था, उसके दिमाग में कुछ अलग ही सोच था। सन 1993 में शाहरुख ने डर और बाजीगर साइन की, जिसमें शाहरुख खान को एक विलेन के तौर पे दिखाया गया था। विलेन के रोल करने के बावजूद भाई साहब ने सबका मन जीत लिया था। दोस्तों कॉन्ट्रोवर्सी सबके जिंदगी में होता है और किंग ऑफ रोमांस का नहीं होगा ये तुमने सोची ना होगी। हैरान मत हो, इससे पहले कि तुम मुझे गाली दे दो तुमको बता दूं, शाहरुख खान ने 1993 में माया मेम से वाली फिल्म की थी। इस फिल्म में शाहरुख खान ने एक न्यूड फोटोशूट की थी, वो भी एक्ट्रेस दीपा शाही के साथ। जी हाँ दोस्तों, एक आदमी जो एक्टिंग के लिए पागल है, अपने काम को एक आर्ट समझता है, उसके लिए कोई मायने नहीं रखता। हालांकि उस समय शाहरुख खान को ये न्यूड शूट करने के लिए बहुत ही क्रिटिसाइज किया गया था। 1994 में शाहरुख खान ने फिल्म की कभी हाँ कभी ना और इस फिल्म के लिए उनको बेस्ट एक्टर फिल्म फेयर अवार्ड क्रिटिक्स से नवाजा गया। ये वही क्रिटिक्स थे जो शाहरुख खान के न्यूड फोटोशूट के लिए उनको क्रिटिसाइज किया था। इसीलिए दोस्तों अगर आप अपने काम से सच्चे प्यार करते हो तो काम जरूरी है करना। आज चाहे लोग तुम्हें गाली दे लेकिन कल तुम्हारा प्रशंसा जरूर करेंगे। इसके बाद आया DDLJ जो कि ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर सिनेमा साबित हुई। पूरे सिनेमा के इतिहास में एक ऐसा फिल्म है जो कि 1995 से लेके आज तक चल रही है। सच में दोस्तों DDLJ एक ऐतिहासिक सिनेमा बन गई और आपको DDLJ आज भी देखने का मौका मिलेगा मुंबई के मराठा थिएटर में। शाहरुख खान अच्छे एक्टर होने के बावजूद उनके फिल्म राम जाने, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, माया, जमाना दीवाना, 1, 2 का 4, अशोका जैसे फिल्म बॉक्स ऑफिस में भारी मात्रा में पिट गई थी। दोस्तों शाहरुख खान के फिल्मों के नाम खत्म नहीं होंगे लेकिन ये वीडियो खत्म हो जाएगा। इतना सिनेमा बनाया है बंदे ने, कुछ अच्छा तो कुछ बुरा, लेकिन SRK ने एक एक फिल्म में अपनी जान डाल दी थी। स्वदेश, चक दे इंडिया, देवदास, वीर जरा, कल हो ना हो, मैं हूं ना, डॉन 2, जब तक है जान, माय नेम इज खान, पठान और आप जवान। 2023 में शाहरुख ने भारतीय सिनेमा के इतिहास में सबसे बड़ा धमाका मचाया। पहले पठान ने 1000 करोड़ की रिकॉर्ड बनाया, उसके बाद जवान ने 2 दिन में 200 करोड़ की कमाई कर ली। एक ही बंदा जिसने टेलीविजन से अपना करियर स्टार्ट किया और सिनेमा जगत के सबसे बड़े सितारे बने। दोस्तों आज के इस कहानी सुनो के एपिसोड में हमने आपको बताया शाहरुख खान और उनके फिल्मोग्राफी से जुड़े हिस्से, लेकिन इसके अलावा भी अगर आपको शाहरुख खान के निजी लाइफ के बारे में जानना है तो कमेंट कीजिएगा, हम लोग उससे रिलेटेड वीडियो जरूर बनाएंगे। दोस्तों आशा करता हूं आपको शाहरुख खान का ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा हो। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए फिल्म टीवी हिंदी को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मैं हर वीकेंड लाता रहूंगा फिल्मी जगत से जुड़े एक नया कहानी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। और हार कर जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं।